चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेशन। बड़ी खबर है जहां जसपा प्रधान अजय चौटाला ने दिया बड़ा बयान, बोले मेरी जेब में रहता है दुष्यंत का इस्तीफा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राय देना चाहे जरूर दीजिएगा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा हमेशा मेरी जेब में रहता है और जब जरूरी होगा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा देने से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा और कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अजय चौटाला ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले भी अपने ही लोग हैं। विरोध करना स्वाभाविक है, अधिकार है, लेकिन विरोध करना ही समस्या का समाधान नहीं है। यदि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से कृषि कानूनों का रास्ता निकलता है तो उनका इस्तीफा जेब में रहता है, कभी भी ले सकते हैं। अजय चौटाला महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन कानून वापस नहीं हुए। सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर अपने दरवाजे खोल रखे हैं। किसानों को अपनी मांगों को लेकर बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत है। उन्होंने और दुष्यंत चौटाला ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं और किसान की समस्या को समझते हैं, लेकिन यह सब बातचीत से ही संभव है। अजय चौटाला ने कहा कि समस्याओं के हल राजनीतिक ताकत से होता है, इस्तीफा देने से नहीं। तीन कृषि कानूनों के समाधान पर अजय चौटाला ने कहा कि सरकार और किसान दोनों ही जिद पर अड़े हैं, इसलिए दोनों ही पक्षों को बातचीत से समाधान निकालने की जरूरत है। अजय चौटाला ने अला परिवार की कलह और राजनीति के चलते परिवार टूटने के सवाल पर कहा कि यह राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन शरीर से आड़ और मांस कभी दूर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि परिवार और रिश्ते कभी दूर या समाप्त नहीं हो सकते। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।